तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप दोस्तों? आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों की। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था, कुछ दिन क्या बहुत महीने या बहुत साल हो गए कि आप सैमसंग गैलेक्सी में बोलकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं। उस वीडियो पर मेरा व्यूज़ भी आया है, पर लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि यार भाई हम तो कर ही नहीं पा रहे, आपने झूठ बोला या आपने गलत बताया। तो आज आपको मैं दोबारा बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी बोल के और बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली। पूरी सेटअप बताऊंगा, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में बोलकर हिंदी में टाइप कर पाएंगे और बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली। तो उसके लिए आपको मैं अपने WhatsApp पे ले जा रहा हूँ और अपने हिले में आ गया हूँ यहाँ पर चैट पे और यहाँ पर आप देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली पूरा हिंदी में टाइप हो रहा है। लाइव डेमो में इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो आप मैं आपके सामने बोलता जा रहा हूँ वो सब यहाँ पर आपके सामने हिंदी में इंसर्ट होते जा रहा है और मुझे कुछ भी करना है उसको डायरेक्टली मैं यहाँ पर सेंड आउट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही जो भी मैंने बोला सब हिंदी में यहाँ पर पूरा आ चुका है। अगर आपको दोबारा देखना, मैं एक बार दोबारा फिर से बता देता हूँ, बहुत ही इजीली है भाई। और अब आपको मैं फुल सेटअप बताऊंगा जिसको आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एक बार फिर से हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यार भाई कोई गलत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब लिखा गया है, कोई भी इसमें झूठ नहीं, कोई भी कुछ गलत नहीं। अब बात करें उसको एक्टिवेट कैसे करें। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स पे चले जाना है, उसका आपको सैमसंग कीबोर्ड की सेटिंग पे जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉइस इनपुट करके, आपको उस पर चले जाना है। उस पर जाने के बाद बाय डिफॉल्ट ये सैमसंग में सेट रहता है, आपको इसको कर देना है गूगल वॉइस पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट ये सैमसंग में सेट रहता है, आपको इसको गूगल वॉइस पे सेट कर देना है। गूगल वॉइस सेट करने के बाद बाहर आ जाइए। अब आपको यहाँ पर टाइप करने के लिए यहाँ जाना है, इस पे टाइप करेंगे तो यहाँ गूगल का आ जाएगा। यहाँ जाइए सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ जाना है लैंग्वेज पे। लैंग्वेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है या जोन सी लैंग्वेज में भी आपको टाइप करना है, लाइक मुझे पंजाबी में भी करना है तो मैंने उसको भी सेव कर दिया, यहाँ पर सेव कर लिया। अगर आप मुझे पंजाबी में टाइप करना है या फिर आपको जिसमें भी लैंग्वेज में करना है आपको चूज कर लेना है। उसको चूज करने के बाद आप सेट कर दिया, अब मैं बोलूंगा वो पंजाबी में टाइप होगा। देखिएगा और की हाल चाल है, तो आप देख सकते हैं वो पंजाबी में टाइप होने लगा। ऐसे ही अगर आपको आप उसको हिंदी में करना है तो यहाँ पर उसकी हिंदी लैंग्वेज ले लो, वो अब हिंदी में टाइप करने लग जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो इस तरीके से आप बहुत ही क्विकली अपने मोबाइल में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या फिर एनी अदर लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं बोल के। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि मुझे आप दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए, ऐसे नए नए फीचर्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको फटाफट मिल सके। और चैनल को शेयर कर देना ताकि आप जैसे बहुत सारे लोग यूजर को भी ये सब जो अपडेट्स है फटाफट मिल सके। इतना सब कुछ कर ही लोगे तो यार व्हाट्सएप पर मेरे चैनल को भी फॉलो कर लेना ताकि नई वीडियो की अपडेट क्विकली आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच।